G20 जो पूरे देश में दुनिया में आते हैं, लेकिन जिस तरह भारत सरकार ने किया है वो अपने आप में एक अजीबोगरीब एक गाथा है। अपने भारतीयों से खतरा है, बड़ी अजीब सरकार है तो जो अपने ही लोगों से खतरा मानती है। तो हम तुम्हारे वासुदेवाय कुटुंबकम और तुम्हारे इस इंटरनेशनल वन अर्थ एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य में हमारी जगह कहाँ है भाई? हमें तुम कहाँ रखते हो बताओ, हमें जवाब चाहिए। जब भारत में वासुदेवाय कुटुंब था, जब इन ब्राह्मणवादियों का, तब हमारी एट्रोसिटी होती है, हमारे ऊपर पेशाब कर दिया जाता है, हमारी बहन बेटियों को नंगा घुमाया जाता है, हमें पीने का पानी नहीं लेने दिया जाता। वो कह रहे हैं कि सब एक ही परिवार के सदस्य हैं। तो भाई मैं झाड़ू ही मारता रहूंगा क्या? मैं गटर में ही मरता रहूंगा क्या? मुझे भी तो हवाई जहाज में घूमना है, मुझे भी तो बढ़िया नौकरी चाहिए, मुझे भी तो बढ़िया पढ़ना है, मुझे भी तो आकर के मेरे लोगों को भी इस देश की मुख्य धारा से जुड़ना है। इस देश के लीडर इनके मुंह पे तमाचा मार रहा है कि तुम्हारे देश के अंदर जो अल्पसंख्यक हैं उनके उन धर्मों के विरुद्ध तुम बोलते हो, उनको तुम पीटते हो, उनके खिलाफ एट्रोसिटी करते हो और नफरत फैलाते हो। ताकतवर को कमजोर पे शक्ति नहीं दिखानी चाहिए और भारत के संविधान की गरिमा को उन्होंने बताया है। बीजेपी और कांग्रेस ही भेष बदल बदल के इस देश की राज सत्ता पे शासन कायम कर रहे हैं। पहले तो इन दोनों मनुवादी में से एक तो खत्म हो, कम से कम हमारी लड़ाई एक मनुवादी से तो हो, फिर हम भुगतेंगे ना तुमसे। आओ मैदान में, अभी तो दो दो मनुवादी भेष बदल करके और ये मायावी बन करके हमारे हितैषी बन के हमारे लोगों को इन्होंने गुमराह किया हुआ है। बीजेपी से लोग त्रस्त हो गए, मोदी से त्रस्त हो गए, तो अब इन्होंने नारा क्या दे दिया, बीजेपी हटाओ संविधान बचाओ। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं जनहित आवाज। अभी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं अशोक अज्ञानी जी। क्या कहेंगे, एक तरफ सनातन धर्म को खत्म करने की बात कही जा रही है और दूसरे तरफ यूके के प्राइम मिनिस्टर जो हैं सनातन धर्म के प्रचार कर रहे हैं। नहीं देखिए, उन्होंने एक मैसेज दिया है, जो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं वो हिंदू मूल के जरूर हैं, उनकी पत्नी हिंदू मूल की हैं, लेकिन और वहाँ का जिस देश के वो प्रधानमंत्री हैं उस देश में मेजोरिटी वहाँ पर क्रिश्चियंस हैं, बहुत भारी तादाद में क्रिश्चियंस हैं जो कि बहुमत है और वही जिताते हैं, वही फैसला करते हैं और इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं जो जीत करके आए हैं और प्राइम मिनिस्टर बने। उन्होंने एक मैसेज दिया है, इस देश के लीडर इनके मुंह पे तमाचा मारा है कि तुम्हारे देश के अंदर जो अल्पसंख्यक हैं, जो चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, चाहे वो दूसरे सिख हों, उनके उन धर्मों के विरुद्ध तुम बोलते हो, उनको तुम पीटते हो, उनके खिलाफ एट्रोसिटी करते हो और नफरत फैलाते हो। और देखो, मैं जबकि वहाँ पर लिमिटेड बहुत 1% ही हिंदू होंगे वहाँ पर, और वहाँ पर ज़्यादातर जो इंग्लैंड में क्रिश्चियंस हैं, और उन मेजोरिटी क्रिश्चियंस ने एक हिंदू को प्राइम मिनिस्टर बनाया, उसको जिताया और उन्होंने कहा कि मैं ऐसे देश का वो हूँ प्रधानमंत्री जहाँ पर गिरजा दुनिया भर के बने हुए हैं और लेकिन मैं यहाँ पर आकर के तुम्हारे मंदिर में आ रहा हूँ उसके बावजूद भी। इनको तमाचा मारा इनके मुंह पर, और तुम अपने यहाँ बहुमत जो यहाँ पर मुस्लिम है उनके खिलाफ तुम्हारा षड्यंत्र होता है, यहाँ पर क्रिश्चियंस है उनके खिलाफ तुम षड्यंत्र करते हो, तो उन्होंने एक बड़ा ब्रिटिश के प्रधानमंत्री का समर्थन करते हैं आप? नहीं, बिल्कुल समर्थन करता हूँ। उन्होंने बड़ा मैसेज दिया यहाँ पर आकर के कि सबका सम्मान करना चाहिए, जो भी आपके देश के अंदर जो भी धर्म हो, अल्पसंख्यक हो, कमजोर हो, जो भी हो, ताकतवर को कमजोर पे शक्ति नहीं दिखानी चाहिए। उन्होंने ये मैसेज दिया है, पैगाम दिया है, और बहुत बढ़िया पैगाम है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कई बार बिना कहे भी बहुत सारे पैगाम दिए जाते हैं जो ऋषि सुनक ने दिए हैं, तो मैं उनका धन्यवाद अदा करता हूँ। इनको लोकतंत्र और भारत के संविधान की गरिमा को उन्होंने बताया है, इंटरनेशनली बताया कि हमें कमजोर से कमजोर को शक्ति देनी है, सम्मान करना है। इससे तो बीजेपी को ही फायदा होगा ना, वो तो वोट चले जाएंगे बीजेपी के खाते में। नहीं, ऐसा नहीं है, आजकल लोग मूर्ख नहीं है, बेवकूफ नहीं है, कोई वोट जाने वाले नहीं। और ऋषि सुनक के यहाँ पे आने से क्या है, बीजेपी सिखा के, ऋषि सुनक को सिखा के बीजेपी करवा रही है सारी चीजें। अच्छी बात है ना, करवाए, लेकिन ऋषि सुनक के, उससे ऋषि सुनक हमारा क्या लगता है? ऋषि सुनक अपने देश के लिए काम करेगा, हम क्यों वोट देंगे ऋषि सुनक के उसमें? ऋषि सुनक अगर मान लो मैं दूसरी भाषा में भी बोलूं, अगर ऋषि सुनक इस मंदिर में आकर के अगर पूजा कर रहे हैं, शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो उनको उनके पूंजीपतियों को यहाँ पर देश में डाका डालना, हमारे भारत में वो तो यहाँ आकर के उन्होंने लूटना इस भारत को। ऋषि सुनक भारतीय है? अरे वो भारतीय है लेकिन ब्रिटिश के प्रधानमंत्री है जी, हमारे नहीं है जी वो। ऐसे तो बहुत सारे हमारे पाकिस्तान में भी रहते हैं, बहुत सारे चाइना में भी रहते हैं, तो इसका मतलब क्या अपना मान लें उनको? वो हमारे नहीं है, वो इस देश में आए अपना व्यापार अपने पूंजीपतियों के लिए, अपने देश के लिए लूटने व्यापार, अभी आएंगे उनके व्यापारी और यहाँ पर अपने व्यापार लगाएंगे, इस देश को लूट के लेकर के जाएंगे, तो वो तो इसलिए आए यहाँ पर। वो मंदिर में क्या, वो कहीं भी चले जाएंगे, जहाँ मर्जी ले जाओ, उनको तो यहाँ पर अपने व्यापारियों को लाना है, धंधा चाहिए उनको, देश को लूटना है उनको यहाँ पर आकर के, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, पॉलिटिशियन है, बड़े पॉलिटिशियन है। अच्छा, G20 की सफलता से खुश हैं? देखिए, G20 की सफल, ये तो रेगुलर प्रोग्राम्स होते हैं, पूरी दुनिया में होते हैं G20,
एक ग्रुप है 20 बड़े देशों का जो पूरे देश में दुनिया में आते हैं, लेकिन जिस तरह भारत ने भारत के इसी सरकार ने किया है वो अपने आप में एक अजीबोगरीब एक गाथा है। इतना शानदार तरीके से किया है। नहीं तो यहाँ के लोगों को पार्टिसिपेट क्यों नहीं करने दिया? यहाँ पर आपने बंद क्यों किया 4 दिन? यहाँ पर झुग्गी झोंपड़ी तमाम लोगों को आने जाने की सुरक्षा व्यवस्था भी तो देखनी थी। अपने लोगों से ही सुरक्षा की आपको खतरा है? अपने भारतीयों से खतरा है? बड़ी अजीब सरकार है तो जो अपने ही लोगों से खतरा मानती है, जबकि यहाँ पर आज तक सैकड़ों यहाँ पर कॉन्फ्रेंस इस तरह की हो चुके हैं, समिट हो चुके हैं, लेकिन आम घूमते थे वहाँ पर आकर। कैसे चलेगा कि इसमें भीड़ में अपने ही लोग है, भीड़ में ऐसे ही अपने ही लोग तो कुछ कर देते हैं ना, इस वजह से सुरक्षा आज तक तो हुआ नहीं, क्या कर देते हैं? और जबकि देखिए आप, ये नई दिल्ली इलाका ये जो है इसको बंद कर लेते, आपको नोएडा तक बंद करने की क्या जरूरत पड़ी? नोएडा के बहुत सारे इलाके बंद कर दिए, वो सब बंद करने की क्या जरूरत पड़ी? ये देखिए हम, और दूसरी बात ये कि आपका एक इवेंट हो गया सफलतापूर्वक, ठीक है हम शुभकामनाएं दे रहे हैं, मगर ये बताओ जो आपने कहा वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, उसमें इस देश के बहुजन कहाँ हैं? SC ST हमारी जगह कहाँ है उसमें? वन फैमिली में सब आ जाते हैं, कहाँ से आ जाते हैं? मुझे जब यहाँ पर इनका वासुदेवाय कुटुंब, जब भारत में वासुदेवाय कुटुंब था, जब इन ब्राह्मणवादियों का, तब हमारी एट्रोसिटी होती है, हमारे ऊपर पेशाब कर दिया जाता है, हमारी बहन बेटियों को नंगा घुमाया जाता है, हमें पीने का पानी नहीं लेने दिया जाता, हमारा बच्चा को इनके ब्राह्मणवादी इनके उससे टीचर के मटके से पानी पी ले उसको पीट पीट के मार दिया जाता है, घोड़ियों पर चढ़ने पर आज भी मार दिया जाता है, मूछे रखने पर मार दिया जाता है। तो हम तुम्हारे वासुदेवाय कुटुंबकम और तुम्हारे इस इंटरनेशनल वन अर्थ एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य में हमारी जगह कहाँ है भाई? हमें तुम कहाँ रखते हो बताओ, हमें जवाब चाहिए। क्यों तुम दुनिया को बुला करके नाटक कर रहे हो और तुम हमारी जगह कहाँ है भाई? हमें आज भी तुम पीटते हो, हमारी जगह बताओ, ये सवाल है हमारा इस देश की सरकारों से मनुवादियों से। हमारा सवाल है कि हम कहाँ रहेंगे? 85% लोगों का उस परिवार में जगह कहाँ होगी ये बताइए। वो कह रहे हैं कि सब एक ही परिवार के सदस्य हैं। तो भाई मैं झाड़ू ही मारता रहूंगा क्या? मैं गटर में ही मरता रहूंगा क्या? मुझे भी तो हवाई जहाज में घूमना है, मुझे भी तो बढ़िया नौकरी चाहिए, मुझे भी तो बढ़िया पढ़ना है, मुझे भी तो आकर के मेरे लोगों को भी इस देश की मुख्यधारा से जुड़ना है। मेरी जगह कहाँ है? देखिए जब यहाँ पर कांग्रेस ने 1992 में जब वो लाए ग्लोबलाइजेशन मतलब भूमंडलीकरण की नीतियाँ, और जब देश को बेचने की नीतियाँ लाए थे ना, प्राइवेटकरण निजीकरण, और तब ये लाए थे भूमंडलीकरण, तो उन्होंने कहा पूरी दुनिया को हम जोड़ रहे हैं, और लेकिन उसमें उन्होंने बड़ा डंका पीटा, लेकिन उसमें किसको किया भूमंडलीकरण? सिर्फ पूंजीपति का। चंद पूंजीपति वहां के आकर के लूट सकते हैं, यहां के कुछ पूंजीपति जा सकते हैं, मजदूरों का क्यों नहीं करा भाई आपने भूमंडलीकरण? हम भी तो किसी भी देश में छूट दो ना, मैं किसी भी देश में जाऊं अमेरिका में जाकर के बिना वीजा के मैं नौकरी कर पाऊं, पासपोर्ट है मेरा भारत का ना, मैं जर्मनी में ऑफर किया तो है, रशिया ने ऑफर किया तो है पासपोर्ट वीजा फ्री जाने के लिए। हाँ तो ठीक है हम जाएंगे, वो तो उसने किया है ना, हमारी सरकारों ने हमें जो भूमंडलीकरण और अब जो कर रहे हैं वन एक जो पूरी दुनिया का एक रास्ता बना रहे हैं, उस रास्ते में हम कैसे जाएंगे? उसमें हमें भी तो लिख दो भाई, इस देश के SC ST भी यहाँ के 22.5% ये भी जाएंगे वहाँ पर। भारतीय सब भारतीय होते हैं। नहीं भारतीय होते तो हम पिटते क्यों हैं? हम पिटते क्यों हैं? हमारी बहन बेटियों को निर्वस्त्र क्यों घुमाया जाता है? आज भी हम इस देश में हम जातियों के नाम से क्यों बुलाया जाता है? आज भी हमारे बच्चों को क्यों मारा जाता है? घोड़ी पे क्यों नहीं चढ़ने दिया? ये हमारे सवाल आपके सामने है, इन सवालों का हमें जवाब दे दो। भारत होने जा रहा है देश का नाम बदल कर भारत, इस पर क्या कहें? नहीं भारतीय तो ऑलरेडी भारतीय है, तो इनका राजनीतिक एक ड्रामा है कि वो उन्होंने तथाकथित एक इंडिया बनाया पॉलिटिकल दूसरे कांग्रेस के उसमें नेतृत्व में, अब ये 2024 के लिए बदलना कुछ नहीं है, अब ये भारत बनना चाहते हैं NDA से, अब ये दिखाना चाहते हैं ये लड़ाई जो होगी 2024 की भारत बनाम इंडिया होगी। तो हम बहुजन कहाँ जाएंगे भाई? हम कहाँ जाएंगे इस देश के बहुजन? क्योंकि यही 78 सालों से यही BJP और कांग्रेस ही भेस बदल बदल के इस देश की राजसत्ता पे शासन कायम कर रहे हैं। अब जब बहन कुमारी मायावती का मूवमेंट खड़ा हो रहा है और जब बहुजन सरकार आने को तैयार है, तो तब इन्होंने ये ड्रामा ये साजिश शुरू कर दी है। अब इसको सब लोगों को इन्होंने लगा दिया इंडिया बदलेंगे जी भारत बनाएंगे, लेकिन ये बोलते क्या है? हिंदुस्तान हिंदुस्तान चिल्लाते हैं, ना तो भारत बोलते थे ना इंडिया बोलते थे। ऐसा क्यों है कि कांग्रेस और BJP ही रह जाती है, तीसरी कोई पार्टी नहीं? ये षड्यंत्र है ना, यही तो षड्यंत्र है बहुजनों के खिलाफ, यही तो षड्यंत्र है बहुजन समाज पार्टी को बहन कुमारी मायावती को सत्ता में आने से रोकने के लिए, बहुजनों की संख्या होने के बावजूद उनकी सरकार नहीं। हाँ तो तिकड़म बना देते हैं ना, कभी ये मंदिर ले आते हैं, कभी भगवान ले आते हैं, कभी धर्म ले आते हैं, कभी भारत ले आते हैं, कभी इंडिया ले आते हैं, कभी हिंदुस्तान ले आते हैं, कभी हिंदू राष्ट्र ले आते हैं, इसीलिए बहुजन समाज जो 85% है उसको सत्ता में आने से रोकते हैं। कभी BJP प्रधानमंत्री बनेगी, कभी कांग्रेस बनेगा। 2014 में
बीजेपी ने नारा दिया कि कांग्रेस मुक्त भारत। भैया अब तुम कांग्रेस मुक्त भारत क्यों नहीं बोलते? और अब 10 साल बाद अब जाकर के 2024 कांग्रेस मुक्त भारत हो जाए। हाँ बिल्कुल होना चाहिए। पहले तो इन दोनों मनुवादी में से एक तो खत्म हो। बाबा साहब ने कहा था 100 साल में कांग्रेस को खत्म कर देना। कम से कम हमारी लड़ाई एक मनुवादी से तो हो, फिर हम भुगतेंगे ना तुमसे। आओ मैदान में। अभी तो दो मनुवादी भेस बदल करके और ये मायावी बन करके हमारे हितैषी बन के हमारे लोगों को इन्होंने गुमराह किया हुआ है और हमारे लोग इनको अपना मान करके इनके साथ चले जाते हैं और अपने बहुजन मूवमेंट से कट जाते हैं। तो इसीलिए पहले एक तो खत्म हो और इसीलिए अब करो ना कांग्रेस मुक्त भारत क्यों नहीं कर रहे हो। और अब जब 10 साल बाद जब ये बीजेपी से लोग त्रस्त हो गए हैं, मोदी से त्रस्त हो गए हैं, तो अब इन्होंने नारा क्या दे दिया? बीजेपी हटाओ संविधान बचाओ, ये नारा दे दिया। अब ये राहुल गांधी जी को ले आएंगे, जिन्हें उधारी राहुल गांधी जी को, और हम बहुजन समाज पार्टी बहन कुमारी मायावती को फिर रोकने की साजिश है। लेकिन अब हम समझ गए, अब हम किसी भी हालत में रुकेंगे नहीं और बहन कुमारी मायावती को 2024 में पहली दलित प्रधानमंत्री देश की बनाएंगे। तो हमने तमाम मुद्दों पर बात की, इन्होंने अपनी बात रखी है। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन तोहित के साथ ड्यूटी गिरी जनहित आवाज़।